आवाज आ रही है। आ रही आवाज, आ रही आ रही है। हेलो जी, आ रही आवाज। अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को, मैं वर्चुअल मीटिंग से जुड़े सभीओं को अस्सलाम वालेकुम और सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी मुबारकबाद। ठीक है भाई, अभी 39वां आवाज इससे बहुत बड़ी बड़ी आवाज आपकी आवाज आ रही है साहब, आ रही है आवाज, आ रही जी, आ रही है साफ आवाज आ रही है। गद्दी दिवस का भाई 39वां गद्दी दिवस मनाया जा रहा है, इसके लिए सब आप लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं देख रहा हूँ कि 39 साल में माशाल्लाह गद्दी बिरादरी में बहुत बेदारी आई हुई है। 11 स्टेट में हमारी प्रदेश कमेटियां बन गई है और एक युवा विंग यूपी में युवा विंग का गठन हो गया है, लेकिन फोर्स के मामले में बहुत बेदारी नहीं आई। मैं आपको बता दूं कि 2011 से पहले, शायद मैं 1 साल पहले या 2 साल पहले कोसा अध्यक्ष बना था, और उसके पहले उस फोर्स का पता नहीं। 11 से पहले 10,600 रुपए फोर्स में थे और उसके बाद में जो मीटिंग हुई सिल्वरदुरी वाली, उसमें लोगों को गुजारिश की गई तो उस समय से काफी पैसा आया। लोगों ने कितने भी 1,90,000 के आसपास डोनेशन दिया और उसी मीटिंग में तय हुआ कि जो ऑफिस प्रेरणा और सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी है वो 3,000 रुपए और स्टेट कमेटी के जितने भी प्रेरण है वो 2,000 रुपए पर ईयर कंट्रीब्यूशन देंगे। लेकिन उसमें मैं आपको बता दूंगी कि उसमें बहुत कम कंट्रीब्यूशन आया है। कुल 9 लोगों ने सेंट्रल कमेटी के 3,000 रुपए दिए हैं और प्रदेश कमेटियों में यूपी से 1, दिल्ली से 1, राजस्थान से 2 लोगों ने, बिहार से 2 लोगों ने, 1 लोग ने और महाराष्ट्र से महमूद आलम है कोई, वो उनका नाम है, 2 लोगों का पैसा आया। वो तो 14,000 पदाधिकारियों के स्टेट कमेटी से और 39,000 रुपए सेंट्रल कमेटी के लिए, जबकि कुल मिलाकर के 47 सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं और 260 के करीब करीब स्टेट कमेटीज के, जिनमें युवा विंग और प्रदेश के जो जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रेसिडेंट है, उनका भी नाम शामिल है। कुल 307 लोग हो गए। ये 307 लोग अगर अपने जो अमाउंट तय किया गया है वो दे दें तो करीब करीब 6,61,000 रुपए जमा हो जाता है। सारे लोगों ने जैसे कई बात की भाई फंड की कमी है, ये छोटा छोटा अमाउंट देखें जो ऑफिस एड्रेस के ऊपर रखा गया है और छोटा सा 2,000-3,000 रुपए कोई बहुत बड़ी नहीं होती है और कहीं देने के लिए जाना भी नहीं है, अकाउंट खुला हुआ है और उसमें ऑनलाइन आज बना है ऑनलाइन, लेकिन इस मामले में बहुत बेदारी नहीं है और बिना फंड के कोई काम, जैसे जहांगीर साहब कह रहे थे कि कोई काम नहीं हुआ है, काम एक बहुत बड़ा हुआ है कि पूरे इंडिया की हम लोग बैठे बातें कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव काम बिना फंड के नहीं हो सकता। अभी जैसे वो कह रहे थे कि भाई कोई इदारा कायम हो या कोई बढ़े वो तो उसके लिए पैसा चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे तो भाई वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके लिए बहुत अरबों चाहिए। और इंडिविजुअल लेवल पे मैं आपको बता दूं कि हमारे हरदोई जिले में संदीला एक जगह है, कुशाब भाई है, उन्होंने डिग्री कॉलेज खोल रखा है आदि डिग्री कॉलेज के नाम से, लेकिन वो कमेटी के लेवल पर नहीं है, वो इंडिविजुअल लेवल पे उनका है। तो ये हम लोगों से गुजारिश करेंगे वही देखिए कि फंड के मामले में थोड़ा बेदारी लाए और कम से कम जो ऑफिस बेरर है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो हर साल जमा करते रहे, अकाउंट को भेजते रहे, पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो स्कॉलरशिप देना भी आसान और किसी की मदद करना भी आसान, कोई भी फला करना आसान, कहीं मीटिंग करना भी आसान, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। अब देखिए जितनी भी लखनऊ में मीटिंग हुई, बड़ी बड़ी मीटिंग, उसकी रोड ड्यूटी में 4 लाख रुपए मैगजीन में छपने में लगा था पैसा और 200-250 रुपए उसकी कीमत रखी गई और कुल 26 लाख रुपए की मीटिंग बिकी, बाकी अभी भी दाऊद साहब यहाँ रखी हुई है। तो ये तो बिरादरी में बेदारी का है कि पैसा देने में बहुत लोग कमजोर है,
और मैं अभी आपको बता दूंगी, जैसे 9 लोगों में मैं नाम बता दूंगा आपको, सादुल्ला साहब है, डॉक्टर अहमद साहब है इलाहाबाद के, सुखी साहब है और सिकंदर सुखी साहब राजस्थान के, दिलीप बर्नी साहब है, अब्दुल हक साहब है, और मोहम्मद सलीम है और डॉक्टर अजीज साहब। इतने लोगों ने दिया है पैसा अभी तक, सादुल्ला साहब ने 3 बार दिया है, डॉक्टर अहमद साहब को 2 बार दिया है, सलाउद्दीन साहब ने भी 2 बार दिया है, और ऐसे वो अब्दुल हक साहब ने भी 2 बार दिया है। वही हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे बतौर कोषाध्यक्ष कि आप लोग पैसे जमा कराएं, और पैसे लाने में जमा कराने में जब पैसा होगा फंड होगा उसी के पास तो बहुत बड़े बड़े काम इंशाल्लाह और टाइम मिलेंगे भैया। Thank you.